अभी तक हमने साम्यावस्था स्थरांग के सी अथवा के पी की वैल्यू उन अभिक्रियाओं में ज्ञात की है जो कि समांगी साम्यावस्था में होती हैं अब हम के सी और के पी की वैल्यू उन अभिक्रियाओं के लिए ज्ञात करेंगे जिनमें कि विसमांग साम्यावस्था पाई जाती है अब हम यहाँ पर बता दें कि जो विषमांग साम्यावस्था है उसमें अभिकारक अथवा उत्पाद एक से अधिक भौतिक अवस्थाओं में होते हैं यह हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक से अधिक प्रावस्था वाले निकाय में स्थापित साम्यावस्था को साम्यावस्था कहते हैं विषमांग साम्यावस्था भौतिक प्रक्रमों में भी हमें दिखाई देती है और रासायनिक प्रक्रमों में भी हमें दिखाई देती है भौतिक प्रक्रमों का यदि हम उदाहरण लें तो हम यहाँ पर ले दे सकते हैं किसी भी बंद पात्र में जब कोई द्रव यानी कि मान लीजिए जल अपनी जलवाष्प के साथ जब साम्यावस्था में होता है तो यहाँ पर एक जो अवयव है वह द्रवी अवस्था में है जबकि दूसरा अवयव यहाँ पर गैसीय अवस्था में होता है और इस तरह से इन के बीच जो साम्यावस्था स्थापित होगी उसे हम विषमांगी साम्यावस्था कहेंगे इसी तरह से हम एक और उदाहरण ले सकते हैं जब किसी बंद निकाय में हम किसी ठोस को का जली विलयन बनाते हैं उस समय जो ठोस पदार्थ होता है जब उसका संतृप्त विलियन बन जाता है उस स्थिति में ठोस तथा जो एक्वस सोल्यूशन में उपस्थित आयन होंगे उनके बीच जो साम्यावस्था होगी तो वहां पर भी एक होगा यहाँ पर शुद्ध ठोस तथा दूसरे होंगे विलयन अवस्था में एक्वस फॉर्म में तो इस तरह से इनके बीच भी जो साम्यावस्था स्थापित होगी उसे हम विषमांग साम्यावस्था कहेंगे यहाँ पर हम बता दें कि विषमांग साम्यावस्था में जब हम इसको केसी का वैल्यू ज्ञात करते हैं उस समय हम ठोस तथा द्रव के जो शुद्ध ठोस और शुद्ध द्रव होते हैं उनके मोलर सांद्रण को इकाई मान लेते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि जो ठोस होते हैं या फिर शुद्ध द्रव होते हैं उनकी जो मोलर सांद्रता है इनकी मात्रा पर निर्भर नहीं करती है यानी कि मान लीजिए हमारे पास एक किलोग्राम का कोई ठोस है और यदि मैं इसे चार भागों में बांट दूं तो प्रत्येक की जो मात्रा होगी वो 250 ग्राम होगी लेकिन इस 250 ग्राम में भी जो एक निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या होगी वह निश्चित होगी यानी कि इनकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है यही कारण है कि जब हम विषमांगी साम्यावस्था में केसी या केपी का मान निकालते हैं उस समय हम यहाँ पर जो ठोस होंगे उनकी सांद्रता को इकाई मान लेते हैं इसी तरह से अब हम रासायनिक विषमांग साम्यावस्था के कुछ उदाहरण देखते हैं उदाहरण के लिए जब हम किसी बंद पात्र में कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो यह टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है यहाँ पर हम देखें कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वह ठोस अवस्था में है जो कैल्शियम ऑक्साइड है वह भी ठोस अवस्था में है जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह गैसी अवस्था में है तो यह भी एक विषमांग साम्यावस्था का उदाहरण हुआ यहाँ पर जब हम इसके लिए केसी लिखेंगे तो केसी प्राप्त करने के लिए जब हम द्रव्य क्रिया का हम नियम इस पर लगाते हैं तो हमें ये जो व्यंजक प्राप्त होगा एक्सप्रेशन होगा वह होगा इस प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड की मोलर सांद्रता गुणित कार्बन की मोलर सांद्रता, हमें जो प्रोडक्ट है उसमें कैल्सियम ऑक्साइड यह ठोस अवस्था में है इसी तरह से अभिकारकों में कैल्शियम कार्बोनेट ठोस अवस्था में है तो इनकी सांद्रता को इकाई मान लिया जाएगा और इस तरह से यहां पर जो केसी होगा वह बराबर होगा केवल कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसेस अवस्था में है उसकी मोलर सांद्रता के तो इस तरह से हमें याद रखना है कि जब हम केसी लिख रहे हो या उस समय हमें देखना है कि जो हमारा साम्यावस्था दी गई है जो रासायनिक समीकरण दी गई है उसमें यह समांगी साम्यावस्था का उदाहरण है अथवा विषमांगी साम्यावस्था का उदाहरण है यहाँ पर एक बार पहले हम देखेंगे जब हम केसी का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर केसी इज इक्वल टू है कार्बन डाइऑक्साइड की मोलर सांद्रता और इसी तरह से यहाँ पर जब हम केपी की वैल्यू निकालेंगे तो ये केपी की वैल्यू भी यहां पर हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की आंशिक दाग केपी को हम किस प्रकार से एक्सप्रेस करेंगे ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाग इस तरह से हम इसको दर्शाएंगे यहाँ पर हम ले लें कि दूसरा जो इक्वेशन हम यहाँ पर ले रहे हैं वो है निकिल जो कि धातु है यह ठोस अवस्था में है जब इसकी क्रिया हम गैसी कार्बन मोनोऑक्साइड से कराते हैं तो यह परिवर्तित होकर कैल्शियम यहाँ पर टेट्राकार्बोनिल कार्बोनिल निकिल का आ, ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है इस अभिक्रिया में भी हम देख रहे हैं कि जो निकिल है वह ठोस अवस्था में है जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड और टेट्राकार्बोनिल निकिल ये वाष्प अवस्था में होते हैं तो इसलिए इनके लिए जो केसी का वैल्यू हो जाएगा वह भी हो जाएगा इसमें निक, निकिल की मोलर सांद्रता को हम इकाई मान लेंगे और इस तरह केसी को हम एक्सप्रेस करेंगे टेट्राकार्बोनिल निकिल की मोलर सांद्रता बटे कार्बन डाइऑक्साइड की मोलर सांद्रता से इसी तरह से एक और उदाहरण हम लेते हैं बहुत ही आ, आ, सरल उदाहरण है यहाँ पर हम ले रहे हैं आ, सिल्वर का ऑक्साइड यहाँ पर सिल्वर ऑक्साइड जब नाइट्रिक एसिड से इसकी क्रिया होती है तो यहाँ पर यह बनता है सिल्वर का नाइट्रेट और साथ में बनता है जल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सिल्वर का ऑक्साइड है वह ठोस अवस्था में है नाइट्रिक एक्व सोल्यूशन उसका जली विलियन दिया जाएगा सिल्वर नाइट्रेट ये भी आ, हमें अवक्षेप के रूप में मिलेगा यहाँ पर यह भी एक्व सोल्यूशन में होगा और जो जल मिलेगा वह द्रव अवस्था में मिलेगा और इस तरह से यहाँ पर हम सिल्वर ऑक्साइड इसके मोलर सांद्रण इसको हम कैंसिल कर देंगे इसी तरह से यहाँ पर जो जल है जो प्योर जल है उसकी सांद्रता में भी कोई खास परिवर्तन नहीं होगा इसलिए इसे भी हम यहाँ से इकाई मान लेंगे और इस तरह से यहाँ पर के सी की वैल्यू हो जाएगी वह यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट की मोलर सांद्रता की घात दो और डिवाइडेड बाय नाइट्रिक एसिड की मोलर सांद्रता की घात दो तो इस तरह से केसी को हम यहाँ पर अभिव्यक्त करेंगे तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जब भी हम केसी की वैल्यू ज्ञात करें तो ये देखना है कि जो अभिक्रिया साम्यावस्था उत्क्रमणीय अभिक्रिया दी गई है वह समांगी साम्यावस्था है अथवा उसमें विसमांगी साम्यावस्था है इसके पश्चात यहाँ पर हमने केसी और केपी से संबंधित बहुत सी जानकारियां प्राप्त कर ली हैं। अब यहां पर हम साम्यावस्था के जानेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम जानते हैं केसी के अनुप्रयोग क्या क्या हैं। हम जानते हैं कि जो केसी होता है वह हमें प्राप्त होता है फॉरवर्ड अभिक्रिया के वेग स्थर को बैकवर्ड अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से डिवाइड करने पर यानी कि हमें के सी इज इक्वल टू होता है के एफ बाई आ, के बी से इसी तरह से यहाँ पर जो आ, जो साम्यवस्था स्थिरांक के सी है हम उसे इस प्रकार से भी परिभाषित करते हैं कि निश्चित तापमान पर साम्यावस्था में किसी बंद पात्र में जब कोई क्रिया कराई जाती है उस स्थिति में आ, अभिकार उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल तथा अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपात को हम साम्यावस्था स्थरांग कहते हैं साम्यावस्था स्थरांग से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है और साम्यावस्था स्थरानक से हमें कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है इसे जानने के पहले हम साम्यावस्था स्थरांग के सी के कुछ गुण जान लेते हैं इसके लक्षण जान लेते हैं जैसे कि हमने जाना है कि जो के सी का वैल्यू है हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब अभिक्रिया साम्यावस्था में हो और यहां पर भी हम ध्यान दें कि जो साम्यावस्था पर अभिकारकों तथा उत्पादों की मूलर सांद्रताएं जब स्थिर होंगी तभी हम केसी की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं साथ ही साथ हम ये बता दें कि साम्यावस्था स्थान केसी का मान कभी भी अभिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है और ना ही उस पथ पर निर्भर करता है जिस पथ के द्वारा या जिस पथ का अभिगमन करके साम्यावस्था प्राप्त की गई हो इसके अलावा हम ये भी बता दें कि जो साम्यावस्था स्थिरांक है इसका मान उत्प्रेरक के द्वारा भी प्रभावित नहीं होता है इसके अलावा आ, साम्यावस्था का मान तापमान से प्रभावित होता है यदि किसी निश्चित तापमान पर हम साम्यावस्था स्थरांक लेते हैं तो इसका मान विशिष्ट होगा और यदि हम तापमान बदल देते हैं तो इस स्थिति में साम्यावस्था स्थरांक का मान भी बदल जाता है प्रयोगों के द्वारा यह देखा गया है कि आ, जो साम्यावस्था अभिक्रिया जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं उनमें प्राय शोषी अभिक्रियाओं के लिए साम्यावस्था स्थरांक का मान अधिक होता है जबकि उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए साम्यावस्था स्थरांक का मान कम होता है इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं मान लीजिए हमारे पास कोई अभिक्रिया है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी इसके लिए जब हम के सी के वैल्यू लिखेंगे आ, यहाँ पर तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ये प्रोडक्ट के या जो उत्पादों की मोलर सांद्रता डिवाइडेड हो जाएगी ये अभिकारकों की मोलर सांद्रता के तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो जब ये अभिक्रिया में जब हम उषमा शोषी अभिक्रिया के लिए लेते हैं तो वहाँ पर यदि हम तापमान किस अभिकारकों को देते हैं यानी कि यहाँ पर जो ए प्लस बी के साथ हमें तापमान जोड़ना होता है और यदि हम यहां पर तापमान देंगे उष्मा से अभिक्रियाओं में तो निश्चित रूप से जो अभिकारक हैं वो उत्पाद की ओर बढ़ेंगे और हम जानते हैं केसी का मान उत्पादों की मोलर सांद्रता पर निर्भर करता है और उत्पादों की मोलर सांद्रता बढ़ेगी तो केसी का मान भी बढ़ जाएगा इसी तरह से यदि दूसरी ओर जो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी उसके लिए जब हम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो होगा ए प्लस बी रिवर्सिबल सी प्लस डी प्लस क्यू यानी कि यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि जो ऊष्मा है वह प्रोडक्ट की तरफ है और जब ऊष्मा उत्पादों की तरफ होगी तो उस समय अब उत्पाद मिलकर अभिकारक बनाएंगे और इस स्थिति में uh, क्योंकि uh, uh, उत्पादों की मोलर सांद्रता में कमी आ जाएगी क्योंकि वो अभिकारकों में परिवर्तित हो रहे होंगे और इसलिए केसी का मान जो कि उत्पादों की मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है कम हो जाएगा तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो साम्यवस्था स्तरांक है उसका मान तापमान से प्रभावित होता है तो इस तरह से साम्यवस्था स्थिरांक के लक्षण जान लेने के पश्चात आइए अब हम इनके अनुप्रयोग को जानते हैं रासायनिक साम्यावस्था में आ, हम देखें कि जो साम्यावस्था स्थरांक है उसके मुख्य रूप से तीन अनुप्रयोग हैं सब सामयावस्था स्थरांक का सबसे पहला अनुप्रयोग है आ, साम्यावस्था स्थरांक के परिमाण के आधार पर हम किसी भी रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया की सीमा का अनुमान लगा सकते हैं दूसरा अनुप्रयोग है अभिक्रिया की दिशा का पता लगा सकते हैं और तीसरा अनुप्रयोग है साम्यावस्था सांद्रण की यदि हमें अभिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रण सांद्रण का का मान मान पता हो तो हम साम्यावस्था भी ज्ञात कर सकते हैं किस प्रकार से इसे हम एक एक करके देखते हैं तो पहला अनुप्रयोग है अभिक्रिया की सीमा का अनुमान लगाना हम जानते हैं कि साम्यावस्था स्थरांक का यदि मान हमें पता हो आंकिक मान यदि हमें पता हो तो हम उसकी सहायता से अभिक्रिया की सीमा को प्राप्त कर सकते हैं ये जान सकते हैं कि अभिक्रिया कितनी हो चुकी है आ, लेकिन यहाँ पर हम बता दें कि इसकी सहायता से हम अभिक्रिया के होने की दर किस गति से हुई है अभिक्रिया इसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त नहीं होगी क्योंकि हम जानते हैं कैसी केसी बराबर होता है उत्पादों की मूलर सांद्रण का गुणनफल डिवाइडेड बाय अभिकारकों की मूलर सांद्रता के गुणनफल का अनुपात तो इस तरह से यदि हम देखें कि यदि केसी का मान अधिक है किसी अभिक्रिया के लिए केसी का मान अधिक होता है तो यह सीधे दर्शाता है कि यहां पर उत्पाद का मान भी अधिक है और यह दर्शाता है कि यहां पर जो अभिक्रिया है वह फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और पूर्ण भी हो सकती है इसी तरह से प्रयोग के आधार पर यह देखा गया है कि यदि साम्यावस्था का मान 10 की घात तीन या उससे अधिक होता है तो अभिक्रिया लगभग पूर्ण हो गई होती है उदाहरण के लिए जैसे हम यहां पर देख सकते हैं यदि एक उदाहरण है 500 सौ पर हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस इस इनकी आपस में जो क्रिया होती है उसके लिए और जिसके फलस्वरूप ये जल का निर्माण करते हैं इसके लिए केसी का मान होता है टू पॉइंट फोर टू द पावर फोर्टी जो कि 10 के घात 3 की, की तुलना में बहुत अधिक है तो यह दर्शाता है कि इस तापमान पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन आपस में मिलकर जल का निर्माण करेंगे और वह क्रिया पूर्ण हो जाएगी इसी तरह से दूसरा उदाहरण ले सकते हैं यहां पर हम 300 सौ तापमान पर हाइड्रोजन गैस तथा क्लोरीन गैस आपस में मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं और इसके लिए साम्यावस्था स्तर केसी का मान होता है 4.0 पॉइंट जीरो इंटू टेन टू दावर थर्टी यह भी दर्शाता है क्योंकि यहां पर केसी का मान काफी अधिक है जो दर्शाता है कि इस तापमान पर यह अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी इसी तरह से और उदाहरण है तीन सौ पर हाइड्रोजन तथा ब्रोमीन हाइड्रोजन गैस तथा ब्रोमीन आपस में मिलकर हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाते हैं और इसके लिए केसी का मान होता है फाइव पॉइंट फोर इंटू टेन टू दावर एटीन और यह भी दर्शाता है कि इस तापमान पर यह अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी इसके अलावा यदि केसी का मान 10 की घात ऋण तीन से नीचे होता है और इस स्थिति में यह जो दर्शाता है कि यहाँ पर जो उत्पाद हैं वह प्राप्त नहीं होंगे या बहुत कम होंगे जैसे कि यहाँ पर हम उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है 500 सौ पर जल का वियोजन जब हम करते हैं जिसके फलस्वरूप हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलती है इस अभिक्रिया के लिए 500 सौ कैलविन पर के का मान होता है केवल 4.1 इंटू टेन टू दावर माइनस फोर्टी जो कि 10 की घात ऋण तीन की कंपेयर में बहुत बहुत कम है और यह दर्शाता है कि इस तापमान पर कभी भी जल का वियोजन नहीं हो पाएगा इसी तरह से एक और उदाहरण हम ले रहे हैं दो सौ हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का योग कराते हैं और हम प्राप्त करना चाहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड गैस तो इस के लिए इस अभिक्रिया के लिए के का मान होता है 4.8 पॉइंट एट इंटू टेन टू दावर माइनस थर्टी जो कि बहुत कम है जो कि यह दर्शाता है कि इस तापमान पर यह अभिक्रिया नहीं होगी या बहुत कम हमें उत्पाद प्राप्त होगा इसी तरह से ज, इसका मान यह दर्शाता है यहां पर केसी के वैल्यू से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि केसी का मान 10 की घात ऋण तीन से 10 की घात तीन के बीच होता है तो इस स्थिति में अभिक्रिया साम्यावस्था में होती है और इस साम्यावस्था पर हमारे पास अभिकारकों तथा उत्पादों की स्थिर मात्राएं होती हैं, जो कि लगभग बराबर होती हैं। लेकिन इससे जैसे कि उदाहरण हम ले रहे हैं सात सौ कैल्विन पर 700 कैल्विन पर हाइड्रोजन और आयोडीन को मिलाकर जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं तो इस तापमान पर हमें केसी का मान 57 प्राप्त होता है इसी तरह से जब हम टू नाइन्टी पर यानी कि दो सौ पर जब हम डाई नाइट्रोजन टेट्रो का वियोजन करते हैं तो हमारे हमें दो मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के प्राप्त होते हैं और इनका जो केसी का मान होता है वो 4.64 पॉइंट सिक्स फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री होता है जो लगभग बीच का मान है और यह दर्शाता है कि इस अवस्था में अभिक्रिया साम्य अवस्था में पहुंच जाएगी तो इस तरह से हम केसी के मान के आधार पर अभिक्रिया की सीमा कितनी अभिक्रिया कंप्लीट होगी अथवा नहीं होगी इस सीमा का पता ज्ञात कर सकते हैं यानी कि किसी भी अभिक्रिया के एक्सटेंट का मान हम प्राप्त कर सकते हैं इसके बाद हम देखते हैं साम्यावस्था स्थरांक के मान का दूसरा अनुप्रयोग किसी भी अभिक्रिया की दिशा का बोध होने के लिए हमें आ, किसी भी अभिक्रिया अभिक्रिया के 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 केसी के मान के साथ साथ हमें भागफल क्यू सी का मान भी पता होना चाहिए और हम जानते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक अभिक्रिया है जिसमें कि ए के ए मोल बी के बी मोल से अभिक्रिया करते हैं और सी के सी मोल तथा डी के डी मोल बनाते हैं इस अभिक्रिया के लिए हम जानते हैं कि किसी भी स्थिति में साम्यावस्था स्थिति के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थिति में जब हम उत्पादों की मोलर सांद्रता तथा अभिकारकों की मोलर सांद्रता का अनुपात ज्ञात करते हैं तो उसे हम अभिक्रिया भागफल कहते हैं तथा उसे हम Qc से दर्शाते हैं तो यहां पर इस अभिक्रिया के लिए केसी का मान होगा आ, सी की सक्रिय द्रव्यमान का घात सी गुणित डी के सक्रिय द्रव्यमान का घात डी बटे ए के सक्रिय द्रव्यमान का घात ए गुणित बी के सक्रिय द्रव्यमान का घात बी इसी तरह से यही मान यहाँ पर साम्यावस्था पर जब हम इन उत्पादों की मोलर सांद्रताओं का गुणनफल तथा अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं का गुणनफल का अनुपात लेते हैं तो साम्यावस्था पर यह अनुपात साम्यावस्था स्थरांग यानी कि के सी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है अब यहाँ पर हम देखें कि क्यू सी तथा के सी की सहायता से हम किस प्रकार से अभिक्रिया की दिशा पता कर सकते हैं यदि हमारे पास क्यू सी का मान कम है जबकि के सी का मान अधिक है उस स्थिति में हम देखें यहाँ पर हम दे, ले सकते हैं बीच में साम्यावस्था की स्थिति यदि हमारे पास है और QC का मान कम है तो हम समझ सकते हैं कि इस स्थिति में अभिकारक आपस में और अधिक क्रिया करके आ, साम्यावस्था की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे यानी कि अभिक्रिया अग्रदशा की ओर या फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी दूसरी ओर यदि यहां पर हमारे पास QC का मान अधिक है KC के, के मान से इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो साम्यावस्था स्थापित होने के पश्चात जो क्यू सी है यानी कि उत्पादों की मात्रा अधिक हो गई है इस स्थिति में अब उत्पाद आपस में क्रिया करके अभिकारक में परिवर्तित होना चाहेंगे या फिर हम कहें साम्यावस्था की ओर लौटना चाहेंगे और इस स्थिति में यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी वह बैकवर्ड दिशा में चलेगी या प्रतीप दिशा में चलेगी तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यदि क्यूसी का मान कम है तो अभिक्रिया अग्र दिशा में चलेगी जबकि यदि क्यूसी का मान केसी के मान से अधिक है उस दिशा में अभिक्रिया प्रतीप दिशा की ओर चलेगी और जैसे ही क्यूसी तथा केसी मान समान हो जाता है तो हम यह कहेंगे कि उस स्थिति में साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी इसे हम उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं हमारे पास एक उदाहरण है जिसमें है हाइड्रोजन गैस आयोडीन की गैस के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं और यहाँ पर जो अभिक्रिया है उसका तापमान है 700 केल्विन इस अभिक्रिया के लिए केसी का मान दिया गया है वह है 57.0 और अब इसकी सहायता से केसी और क्यूसी दोनों के मानों की तुलना करके हम ये पता कराएं कर सकते हैं कि अभिक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर इस अभिक्रिया के लिए हाइड्रोजन की मोलर सांद्रता दी गई है वो है जीरो पॉइंट वन जीरो मोलर इसी तरह से आयोडीन की मोलर सांद्रता दी गई है जीरो पॉइंट टू जीरो मोलर इसी तरह से हाइड्रोजन आयोडाइड की मोलर सांद्रता दी गई है जीरो पॉइंट फोर जीरो मोलर इसकी सहायता से जब हम केसी की गणना करते हैं तो यहाँ पर हमें केसी की वैल्यू जो प्राप्त होगी ऊपर uh, हम रखेंगे जीरो पॉइंट फोर जीरो जो कि हाइड्रोजन आयोडाइड की मोलर uh, सांद्रता है इसका घात होगा दो uh, इस बटे में आ जाएगा हाइड्रोजन की मोलर सांद्रता जीरो और uh, साथ ही साथ गुणा हो जाएगा आयोडीन की मोलर सांद्रता से जो कि है जीरो पॉइंट टू जीरो और इस तरह से क्यू सी का मान हमें प्राप्त होता है एट पॉइंट जीरो जो कि साम्यवस्था स्थिरांक जो कि फिफ्टी सेवन पॉइंट जीरो है उसकी तुलना में बहुत कम है और यह दर्शाता है कि यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी वह अग्र दिशा में होगी यानी कि हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस आपस में क्रिया करेंगे और अधिक से अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण करेंगे और यह अग्र दिशा में होने वाली क्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि क्यू का मान के के मान के बराबर नहीं हो जाता यानी कि अभिक्रिया भागफल का मान साम्यावस्था स्थरा के बराबर नहीं हो जाता तो इस तरह से इसके आधार पर हम किसी भी अभिक्रिया के दिशा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं